नीदरलैंड में एक भयानक हादसा काफी नाटकीय अंदाज में टल गया। दरअसल शहर में एक मेट्रो ट्रेन पूरे स्पीड से स्टेशन को तोड़ते हुए हवा में पहुंचने को तैयार हो चुकी थी, लेकिन एक व्हेल मछली की पूंछ ने इस ट्रेन को रास्ते में ही रोक लिया। दरअसल नीदरलैंड्स के रॉटरडैम शहर में एक मेट्रो काफी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और आखिरी स्टेशन को पार करते हुए ये ट्रेन हवा में पहुंच गई थी, जिससे काफी नुकसान भी हो सकता था। डी एकेर्स नाम के स्टेशन को तोड़ते हुए ये ट्रेन हवा में पहुंच गई थी, लेकिन सौभाग्य से वहां एक व्हेल की पूंछ की मूर्ति कला बनी हुई थी, जिससे काफी अद्भुत अंदाज में इस मेट्रो के सबसे पहले डिब्बे को थाम लिया और ये ट्रेन वहीं अटकी रह गई। रिपोर्टर्स के अनुसार इस आर्ट पीस को मेट्रो के पास मौजूद एक पार्क में 20 साल पहले बनाया गया था। इस मूर्तिकला में दो बड़े व्हेल मछलियों की विशालकाय पूंछ को देखा जा सकता है। इनमें से एक पूंछ की वजह से मेट्रो ट्रेन बच पाई है। इस मेट्रो ट्रेन के ड्राइवर की जान बाल बाल बची है और उसे कोई चोट नहीं आई है। हालांकि ये ड्राइवर काफी सदमे में था। बता दें कि ट्रेन में ड्राइवर अकेला था और उसके अलावा और कोई पैसेंजर मौजूद नहीं था। भले ही इस शार्के की पूंछ के आर्ट पीस ने अद्भुत अंदाज में इस मेट्रो को बचाया हो, लेकिन जब इसे बनाया गया था तो इस आर्ट पीस के आर्किटेक्ट्स के दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था। इस घटना के बाद मौके पर आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स और कुछ विशेषज्ञ भी मौजूद हैं और इमरजेंसी सर्विस कोशिश कर रही है कि कैसे ट्रेन को स्टेशन पर वापस लाया जाए। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट।